हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है मेरे दो दिन का छोटा सा कश्मीर का ट्रिप। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कश्मीर में मैं कौन सी जगह पर गई थी अपने शूट के लिए। जी हाँ, मैं एक पंजाबी सॉन्ग के शूट के लिए गई थी। ऑब्वियसली उसका BTS भी मैं डालूंगी। वंस द सॉन्ग इज़ आउट मैं उसका BTS भी डालूंगी। बट खैर, इस वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कश्मीर में कौन सी जगह पर घूमी थी। एक्चुअली ज़्यादा कुछ लोकेशंस एक्सप्लोर करने को नहीं मिली, बट जो भी दो तीन जगह मैं घूमी हूँ मैं आपको वो इस वीडियो में दिखाऊंगी। माउंटेन्स का जो व्यू था, ओहो, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। एंड मैं बस वेट कर रही थी कि मैं कब श्रीनगर एयरपोर्ट उतरूं और कब मैं अपना फ़ोन लूं और मैं सारी चीज़ें कैप्चर करूं। बट गाइज, मैं आपको बता देती हूं कि क्योंकि श्रीनगर एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, वहां पर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। तो ये हम पहुंच गए हैं श्रीनगर एंड आई एम हेडिंग ऑफ टू डल लेक। एंड मुझे बताया गया था कि मुझे घाट नंबर 6 पे जाना था। तो यस, मुझे एक कैब लेने आई थी, तो वो कैब वाले भैया साइड बाय साइड बताते जा रहे थे कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पे कौन सी लोकेशंस अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यस, वी हैव रीच्ड डल लेक, घाट नंबर 6। एंड फॉर अ डे, मतलब दिन के वक्त मैं एक हाउस बोट में रुकी हुई थी। वो हाउस बोट का नाम था क्वींस लैब, जो फयाज़ भैया, एक्चुअली उनका नाम है फयाज़ टाइसन, एंड उनके हाथ का खाना वो सो 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 यम। तो गाइज, अगर आप डल लेक जा रहे हो और अगर हाउस बोट में रुकने का कोई प्लान है तो प्लीज़ क्वींस लैब में जाके रुकिए। वहाँ पे आपको अमेजिंग फूड, अमेजिंग व्यू मिलेगा। तो ये हम ऑलरेडी हाउस बोट पहुँच चुके हैं। मैं एक नाव में थी एंड ट्रस्ट में मुझे इतना डर लग रहा था। तो ये कुछ शॉपिंग की थी हमने हाउस बोट में। एक्चुअली वो जो शिकारा होती है वहाँ पे, आपको क्या कुछ नहीं मिलता है, फ्रूट से लेके, ज्वेलरी से लेके, शॉल से लेके, सब कुछ। इट्स लाइक मैंने ऐसा कभी पहले कहीं भी नहीं देखा है। तो मेरे लिए ये सारा एक्सपीरियंस बहुत ही नया था एंड मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ये भैया से हमने बहुत सारी ज्वेलरी भी खरीदी थी। और ये टाइसन भैया के साथ कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर अच्छा लग रहा था सुनने में। ऑल्सो वी गॉट सम ब्यूटिफुल वुडन आइटम्स फ्रॉम कश्मीर। और ये भैया ने मुझे एक दो छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दिए थे क्योंकि हमने इनसे काफ़ी सारा सामान लिया था। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस बार तो मुझे स्नो नहीं मिला, ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है, बट मैं अपनी फैमिली के साथ दिसंबर या जनवरी में श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम सब कुछ फिर से घूमना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ पे ज़्यादा दिन तक रुक सकूँ और नेचर एक्सप्लोर कर सकूँ और बर्फ़ के साथ खेल सकूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज देयर फॉर माई वर्क। मैं एक वर्क ट्रिप पर थी, बट वो काम कम और ट्रिप ज़्यादा लग रहा था। और काफ़ी मज़ा आया मुझे, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस श्रीनगर में बहुत अच्छा था। हाय। जिस हाउस बोट की मैं बात कर रही थी, एक बार वो हाउस बोट भी घूम के आते हैं। चलिए मैं आपको घुमाती हूँ कि ये हाउस बोट के बाहर का व्यू और अंदर का व्यू कैसा था।
कर रहे हैं, ही हैज मेड सम यमी कश्मीरी डिश फॉर अस. आई विल शो यू इट. दिस लुक्स यमी. वी हैव दिस सब्जी एंड दिस ग्रेवी विद सम चपातीस, हॉट चपातीस एंड सम. कश्मीर को देख के मुझे गाना याद आ रहा है. सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखे ला 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 ला. आगे नहीं आता. ये जो जगह है, दिस इज़ कॉल्ड चार चिनार. इट्स ब्यूटिफुल. यहाँ डल लेक के बीच में एक छोटू सा आइलैंड जैसा है जिस पे पेड़ लगे हुए हैं. तो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड चार चिनार एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल. आप लोगों ने कभी पानी के ऊपर रॉल्स रॉयस देखी है? ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ. है ना सुंदर? शिकारा राइड में हो और ब्यूटी शॉट्स ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पेश है मेरे ब्यूटी शॉट्स. ये हो गई है शाम और हम निकल चुके थे पहलगाम के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अगले दिन हमें शूट करना था. तो मैंने कुछ ग्लिम्पसेस वहाँ के भी कैप्चर किए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ.
श्रीनगर से पहलगाम आई गेस 2 आवर्स जितना है. एंड दिस वॉज द व्यू आउटसाइड माई होटल. और मेरी होटल के बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था जो बहुत ही सुंदर था. और यहाँ का पानी, इट वॉज लाइक एक्वा ग्रीन, नॉट इवन ग्रीन, इट वॉज अ लिटिल ब्लू ऑल्सो. बहुत सुंदर व्यू था ये. पर गर्मियों के दिन में यहाँ पर ये होता है कि दिन के वक्त आपको बहुत गर्मी लगेगी, पर जैसे जैसे शाम होगी तो इतनी ठंडी हो जाएगी. लाइक आई रिमेम्बर कि शाम में यहाँ तक ऑलमोस्ट 12 या 13 डिग्रीज हो गया था, मतलब काफ़ी ठंड हो गई थी. यही थी वो जगह जहाँ पर हमने शूट किया था. एंड ओहो, मैं बस खो गई थी. ये वादियाँ, ये पहाड़, ये नदी, मैं खो गई थी. And the next day it was time to return back to my city. And I hope कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'm surely gonna upload the BTS of my song soon. And till then, take care of your loved ones, take care of yourself, stay safe, stay healthy, and bye.